नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीमच प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से नीमच दौरा है, क्योंकि लंबे समय बाद नीमच आई है। उनसे बात करते हैं नीमच विकास को लेकर। मैडम, किस तरीके से नीमच के विकास को लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? नीमच के विकास को लेकर जो रणनीति है वो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई है उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ मैडम, सबसे बड़ी समस्या नीमच की बंगला बगीचा है। यहाँ पर 16,000 जो है बंगला बगीचा और रहवासी हैं। साझे अगर बात की जाए 2,000 आवेदन ही जो है नगर पालिका तक पहुँचे हैं। इस समस्या का हल अभी जो है, पर मुझे लगता है कि नीमच पहला जिला है जिसने बंगला बगीचे के लिए नीति बनाई है और ये समस्या क्रमशः हल होगी। मैडम, एक सबसे बड़ी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की एक मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो है प्रशासनिक अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, क्या मानते हैं आप, ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है? ये एक निरर्थक बात है। यदि हम मय तथ्य और प्रमाण के किसी काम को कहेंगे तो करना अधिकारी की जिम्मेदारी है। मैडम, एक और बात की जाए तो आप लंबे समय बाद यहाँ पर आई है, तो कांग्रेस का एक बड़ा आरोप ये भी है कि प्रभारी मंत्री को ढूंढ के लाओ और इनाम पाओ, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, कांग्रेसियों के पास कुछ काम तो बचा नहीं है, तो वो बेचारे जो कर सकते हैं वो करेंगे। पर आप जानते हैं कि बीच में जो हमारे उपचुनाव थे उनमें मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं बागली में लगातार 2 महीने थी और अब निरंतर हम तो हर महीने आने वाले लोगों में से। मैडम, एक और निकाय चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से सरकार जो है आगे की रणनीति तैयार कर रही है? वो बिल्कुल रोटेशन के साथ, नए परिसीमन के साथ चुनाव होंगे। कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है पंचायत चुनाव निरस्त कराए, तो इसे आप कितना सही मानते हैं? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने टिप्पणी की है विवेक तनखा के खिलाफ कि इस व्यक्ति ने सारे चुनाव को मुसीबत में डाला। पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े अपराधी और दोषी कोई है तो विवेक तनखा सहित पूरी कांग्रेस है। मैडम, आखिरी सवाल मेरा कि वीडी शर्मा जी जो है नीमच दौरे पर आ रहे हैं, तो उनके दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी है और किस तरीके से आप जो इस दौरे को देखते हैं? वो संगठनात्मक तैयारियां लगातार चल रही हैं। हमारा संगठन 12 महीने काम करता है, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारी यहाँ ये तैयारियाँ 12 महीने चलती हैं। क्या मिशन 2023 की तैयारी को इसको जोड़ के देखा जा सकता है? निश्चित रूप से, हम हर क्षण काम करते हैं। तो ये नीमच जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी, जिन्होंने हमसे बात की है किस तरीके से जो हमारे तमाम सवाल थे उन सवालों का जवाब दिया। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।